जिले में प्रवास पर आए केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने उनके प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर यहां के इतिहास को जाना। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की काफिला गुरुवार की शाम जिले के ग्राम ऊन पहुँचा। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ आए सभी सदस्यों ने प्राचीन जैन मंदिर एवं देवी श्री महालक्ष्मी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे सभी वादों पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बन ही नहीं रही तो वे अपने वादे पूरे कैसे करेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने की बात कही। वे यहाँ खरगोन में हो रही लोकसभा मीटिंग और सभा में शरीक होने पहुँचे। इस तरह से आप लोग हमारी जो मीडिया के साथी हैं वो भी कहते हैं, लेकिन आप लोग कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने मीटिंग में कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं है। वो कहते हैं कि उनका सरकार आने से ही देंगे। अरे उनका सरकार तो आएंगे नहीं तो देंगे, क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। और मध्य प्रदेश में भी सरकार है, दिल्ली में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम पैसेंजर की तरफ चलने वाला सरकार नहीं है, ये राजधानी की तरफ स्पीड से चलने वाली सरकार चल रही है। आप लोग मालूम है नरेंद्र मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं। आप लोग मालूम है कि हम चाहते हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी भारत, और अभी नवंबर में यहाँ इलेक्शन होने वाले, यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। डीजेना न्यूज नंबर 1 निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डीजेना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।